हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सक्सेस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या जानकारी बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंडिकेट बैंक के बारे में। सिंडिकेट बैंक में पीओ मतलब में एक जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड है स्केल वन का, उसका एक फॉर्म निकला है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट हैं, जो सिंपल ग्रेजुएट हैं या किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं, वो चाहें तो सिंडिकेट बैंक के माध्यम से पीओ बन सकते हैं। तो सिंडिकेट बैंक, मणिपाल यूनिवर्सिटी, निट्टी यूनिवर्सिटी, इन तीनों के सौजन्य से, इन तीनों के कोलैबोरेशन से प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ इन जेएमजी स्केल वन रिक्रूटमेंट 2018। जेएमजी मैंने आपको बताया जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल वन में स्टार्टिंग बहाली होगी, फिर धीरे धीरे आप प्रमोट हो सकते हो। और ये कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी प्रकार का ग्रेजुएट है, बंदा या लड़का या कोई भी लड़की, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, टोटल पोस्ट की संख्या 500 है। कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल के लिए 252 सीट्स, ओबीसी के लिए 135 सीट्स, एससी के लिए 75 सीट्स और एसटी के लिए 38 सीट्स ये है। पोस्ट के बारे में, बिफोर यू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ रीड द फुल नोटिफिकेशन। इससे पहले कि आप ऑनलाइन आवेदन करें, कृपया पूर्ण अधिसूचना पढ़ लें। तो इसके सूचना को, नोटिफिकेशन को या एडवर्टीजमेंट को पढ़ने के लिए जो नीचे बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या लिंक कमेंट बॉक्स है, उसमें ये लिंक दिया गया है। ओके, उसमें ये लिंक दिया गया है, आप देख सकते हो। देखो, ये एक लिंक है, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कर दो। अगर आप इसे पे क्लिक करते हो तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चले जाओगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आपको एक एक करके पूरा पढ़ जाना है, अपना एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी रिजर्वेशन, कैसा क्या पैटर्न है, वो सारा कुछ समझ में आएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं पहले आपको बता दूं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पहले वो आप देख लो, फिर हम इसको एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ आप देखो, इस लिंक पे आप क्लिक करो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप उस ऑफिशियल पे चले जाओगे, डेट्स जान लो। डेट्स क्या है, एप्लीकेशन स्टार्ट ऑन 2nd January 2018। तो 2 जनवरी 2018 पे एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन, ये ऑनलाइन होगा, स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 17/1/2018। 17 जनवरी 2018 ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट जो है उसका लास्ट डेट 17 ही है, 17 जनवरी 2018 है। फिर एक इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब है, 18 फरवरी 2018। तो ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट हो गया। फिर एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल हो जाएगा 5 फरवरी से। देखो, 5 फरवरी से आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी ऑनलाइन अप्लाई करना है 2nd January से, और इसका कुछ फ़ी भी है, फ़ी पे करना है। तो फ़ी के बारे में देख लो, एप्लीकेशन फ़ी, परीक्षा शुल्क जो है जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपये है, एससी एसटी पीएच के लिए 100 रुपये है। और ये जो ऑनलाइन फ़ी है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वैलेट, कैश कार्ड और किसी से भी, या जो चालान है, फ़ी चालान है, उससे भी भर सकते हो। तो किसी भी माध्यम से आप ये फ़ी भर सकते हो। जनरल के लिए 600 रुपये, ओके, और एससी एसटी पीएच के लिए 100 रुपये मात्र, ये है एप्लीकेशन फ़ी। दूसरी जरूरी सूचना जो है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो बैचलर डिग्री चाहिए एनी स्ट्रीम, विथ एनी स्ट्रीम 60% मार्क। फॉर एससी एसटी पीएच कैंडिडेट रिक्वायर्ड ओनली 50% इन ग्रेजुएशन लेवल। मतलब ये है 60% अंक चाहिए, 60% अंक चाहिए जनरल लोगों के लिए किसी भी स्ट्रीम में। देखो, ये किसी भी स्ट्रीम में चाहिए, और ये बैचलर डिग्री होना चाहिए। ये जनरल लोगों के लिए हो गया, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीएच उम्मीदवार के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, उनको 55% अंक ही चाहिए, उनका 55% पे ही काम चल जाएगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, देख के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कि ये फॉर्म आपको भरना है या नहीं भरना है। यदि जो 55% से कम नीचे नंबर आया है तो भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। एज लिमिट आप देख लो, 20 से 28 साल होना चाहिए। और ये डेट का कैलकुलेशन किस टाइम से हो रहा है, 1/10/2017, इस डेट से ये कैलकुलेट हो रहा है। तो आप याद रखना है, और 20 से 28 साल और इस डेट के अनुसार। और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो हम डिस्कस करेंगे।
तो जनरल लोगों के लिए 20 से 28 साल है। अगर आप एससी एसटी हो तो नोटिफिकेशन में हम अभी डिस्कस करेंगे क्या एज का रिलैक्सेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है। कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड बाय सिंडिकेट बैंक थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ एन ओपन ऑनलाइन टेस्ट कंडक्टेड बाय आईबीपीएस फॉलोड बाय इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। इसका ट्रांसलेशन ये है, उम्मीदवारों का चयन सिंडिकेट बैंक द्वारा किया जाएगा एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से जिसमें एक खुली आईबीपीएस द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षण किया जाएगा, साक्षात्कार या समूह चर्चा भी किया जाएगा। आई बात समझ में? तो आपका एक ओपन ऑनलाइन टेस्ट होएगा, समझ जाओ मोटा मोटी, और उसके बाद इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन होगा, और ये सारा जो है आईबीपीएस कंडक्ट करने वाली है, मोटा मोटी ये याद रख लो। तो ये हो गया। तो और अब इसका विस्तार में आप जो भी सूचना देखना चाहते हो तो ये नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, देख लो, ये नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी, तो यहाँ से आप इसे पूरा पढ़ो। ओके, तो चलो इसमें देखते हैं। देखो ये सिंडिकेट बैंक का ये आ रहा है, ये पूरा है इवेंट। देखो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से चालू हो रहा है, 2/1/2018 ऑनलाइन पेमेंट 2/1/2018 से 17/1/2018 तक चलेगा, लास्ट डेट 17/1/2018 है। डाउनलोड कॉल लेटर एग्ज़ाम, जो कॉल लेटर होगा वो 5 फरवरी 2018 के बाद हो सकता है, और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 18 फरवरी 2018 है। आई बात समझ में? ये देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने वाले हैं, टोटल 500 है। अनरिजर्व मतलब जनरल में 252 हो गए, ओबीसी में 135, एससी में 75, एसटी में 38। एज जो है 20 से 28 साल है, और एज का कैलकुलेशन देखो 1/10/2017 से कैलकुलेट किया जा रहा है। आई बात समझ में? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो ये आप पूरा पढ़ लो। वैसे तो किसी मैंने बता दिया कि जो जनरल है उनको 60% चाहिए ग्रेजुएशन में, और 55 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यू, और बाकी सारा ये डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ लो। कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हमारे टीचर आपका हेल्प करेंगे। एज भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन का भी देखो कैटेगरी सारा कुछ दिया हुआ है, आप देख लो आपके अनुसार आप किस कैटेगरी में आते हो क्या है। कुछ समझ में यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, हमारे टीचर आपको बताएंगे। फिर उसके बाद ये देखो ये अलग अलग, अच्छा नेशनल सिटीजनशिप ये सारा कुछ है, ये सब रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिजेबिलिटीज़ ये सब भी देख लो अगर आप डिजेबल हो तो। गाइडलाइन में सब्सक्राइब ये भी देख लो, गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट लोकोमोटिव, अच्छा ये अलग अलग विजुअली इम्पेयर्ड, तो अगर आप इस किसी कैटेगरी में आते हो तो उसका लाभ उठा सकते हो। सी एस टी ओ बी सी के लिए सारा क्या है ये सब करना है, प्रोसीजर सब लिखा हुआ है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई के लिए अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फी सारा ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन अप्लाई का डेट 2/1/2018 से 17/1/2018 के बीच में ही है, याद रखिएगा। ये सारा डिटेल पढ़ लो अच्छे से क्या क्या है सारा कुछ। अच्छा फीस एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए 100 रुपये है, और जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये है। आई बात समझ में? एप्लीकेशन ये सारा आप एक एक करके जितना भी इंफॉर्मेशन है सारा जरूरी है, पेमेंट ऑफ फी कैसे पेमेंट वगैरह करना है सब पढ़ लो। ओके, डेट देखो मैंने पहले भी बता दिया है, फिर दिया हुआ है यहाँ पे, फिर से पढ़ लो। आई बात समझ में? ये पढ़ लो। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस ये देखो ध्यान से थोड़ा देख लो। पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ऑनलाइन, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा भाई, 4 प्रकार का क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, और जनरल अवेयरनेस आएगा। नंबर कितना है, 50 50 50 50, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस की संख्या मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क, 50 नंबर, और ये 2 घंटे में आपको ये देना है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा जो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, इसमें क्वेश्चन 2 होंगे, 50 मार्क्स का होगा, और 30 मिनट में ये लिखना होगा। और इसको अच्छे से आप पूरा पढ़ के समझ लो कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और क्या ग्रुप डिस्कशन होगा, इसका भी आप समझ लो कैसे कैसे क्या होगा। कॉल लेटर 18/2018 से आएगा, ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो एक एक करके आप जितना भी इंफॉर्मेशन है
सारा देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है अलग अलग स्टेट का, सब आप पढ़ लो और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिख दो। ओके, तो आशा करता हूँ आप इस फॉर्म को भरोगे और इसे अप्लाई करोगे। थैंक यू।